तीन चार बातों का, छोटी छोटी बातें हैं, स्पिरिचुअल उपाय भी बताऊंगा आपको, पर उन बातों का ध्यान रखें। शक्ति क्रिया का प्रयोजन, स्पिरिचुअल विद्या का प्रयोजन, आप सुखमय जीवन व्यतीत करें, आप आनंद से जीवन व्यतीत करें, आप पूर्ण रूप से भौतिक सुखों को भोगें और आध्यात्मिकता में आगे आगे तरक्की करें। जैसे ही आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो स्ट्रिक्टली ऐसा नियम बनाएं कि आप किसी को सुधारने की बात नहीं करेंगे, आप किसी की नकारात्मक बात नहीं करेंगे, आप किसी की नकारात्मक बात नहीं सुनेंगे। जैसे जैसे दोस्तों हम किसी की नकारात्मक बात को सुनते हैं, वैसे वैसे हम मन से, शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कॉन्शियस माइंड से, सब कॉन्शियस माइंड से, कलेक्टिव माइंड से हम दूषित हो जाते हैं और हम इमोशनली वही चीज को सोचने लगते हैं और हमारा कलेक्टिव माइंड उसी को इमोशनली इकट्ठा करके लाता है। तो हम ऐसे इमोशनली वायरस, नेगेटिव वायरस से ऐसे ग्रस्त हो जाते हैं कि हमें कोई सूझता नहीं है। वो व्यक्ति जाता है, फिर किसी का फोन आ जाता है, फिर उसके बारे और चर्चा होती है, फिर कोई और आते हैं, आप जाते हो, फिर कोई और चर्चा होती है, और हम क्या कर रहे हैं जी? इससे हम धीरे 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 इमोशनली पूरे परिवार का वातावरण खराब कर देते हैं। आप देखें कहीं 30 स्टोरी 40 स्टोरी की बिल्डिंग बनी हुई है, एक जैसे ही अपार्टमेंट हैं सब, एक जैसे ही घर हैं, कोई बेडरूम का फर्क हो सकता है, बाहर से एक जैसी ही उनकी सुंदरता लग रही है, पर जैसे अलग अलग घरों में जाएंगे तो अलग अलग वाइब्रेशन का, अलग अलग एनर्जी का आपको एहसास होगा। वो एनर्जी किसने पैदा की? जो घर में रहने वाले मनुष्य हैं, घर में रहने वाले व्यक्ति हैं। इसको ठीक करने के लिए आप अपने विचारों की शुद्धता करें, घर में कोल्ड वार ना रखें। इजी लगता कहने में, पर आपको करने में थोड़ा मुश्किल होगा, प्रैक्टिस करें। आप हस्बैंड वाइफ, माता पिता, बच्चे, जो भी रिश्ता है आपका, वो रिश्ता भगवान की ओर से बनाया गया है, पता नहीं कितने जन्मों से चलता आ रहा होगा, कुछ आपका प्रारब्ध होगा, कुछ आपने पिछले कर्म में ऐसे कर्म किए होंगे कि ऐसी स्थिति आई है, पर आप आने वाले जन्म के लिए आने वाले ऐसे कर्म, ऐसे संस्कार ना बनाएं और कोशिश करें कि किसी ने कोई बात कह दी तो स्माइल करके टाल दें उसको। कोई मन में ऐसी भावना ना रखें बदला लेने की, और कोशिश करें सोने से पहले क्षमा मांग के सोएं, सुबह उठें फिर क्षमा मांगें, जो भी आपके पास है उसको एंजॉय करने की कोशिश करें, जलसी से मुक्त रहें, और इससे देखेंगे आपके 50% स्थितियां घर में अच्छी होने लगी। शब्द की बहुत महिमा है, शब्द की बहुत शक्ति है। घर में अच्छे मंत्रोच्चारण की ऑडियो चलाएं, अच्छे भजन की ऑडियो चलाएं, खुद भजन गाने की, सत्संग में जाने की कोशिश करें, सत्संग करें घर में। और इसके साथ प्रतिदिन सुबह शाम घर में घी का दीपक और तेल का दीपक जलाएं। घी का दीपक लेफ्ट साइड में रखें, तेल का दीपक राइट साइड में रखें, और जो आपके इष्ट हैं उनको रिझाने की कोशिश करें। कोशिश करें परिवार में सबके इष्ट एक हों, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो अपना अलग से करें, आप अपना अलग से करें। आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि आप चेंज हो गए हो, दूसरा व्यक्ति भी चेंज होना शुरू हो गया। अगर घर में कोई वास्तु की स्थिति खराब है, आपको किसी ने कहा वास्तु ठीक नहीं है,
आपको भी लगा है वास्तु ठीक नहीं है, तो आपको कुछ गिराने की, कुछ तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में जैसे अखंड दीपक जलता है, घर में दोनों टाइम दीपक जलता है, आरती होती है, मंत्रोच्चारण होता है, घर में प्रतिष्ठा पूर्वक यंत्रों की स्थापना होती है, वास्तु यंत्र की स्थापना होती है, तो आपके घर के बहुत से दोष नष्ट हो जाते हैं। और घर में ऐसी स्थिति में भगवान गणेश जी की मूर्ति लगाएं जो घर में पूरी दृष्टि रखती हो। ये थे थोड़ी सी बातें घर की एनर्जी को शुद्ध कैसे करें, घर में सकारात्मकता की वृद्धि कैसे हो, घर में आप सच में एंजॉय कर पाओ। आपके पास छोटा घर है, बड़ा घर है, घर है दोस्तों, शत दी उस ईश्वर ने, उसका शुक्रिया करें। इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ। नमस्कार, जय माता दी। आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को प्रणाम करें।